भाई। अगर देश उनका परिवार होता तो सारे काम और काज छोड़कर देश के हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले उन बेटियों से मिलने के लिए जाते और जाकर उनका हौसला बुलंद करते और कहते कि हम आपके साथ खड़े हैं, और बीच चौराहे पर, मणिपुर के बीच चौराहे पर उन दरिंदों को फांसी दी जाएगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते कि मैं खुद फांसी का ऑर्डर राष्ट्रपति से लेकर आऊंगा। बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो महिला मंत्री जो आज गूंगी हो चुकी हैं, और जब बात उनकी बेटी की होती है तो महिला मंत्री बड़ी चिल्लाकर बोलती हैं, लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं के मुंह में दही जम जाती है। जो घटना मणिपुर की बेटी के साथ घटित हुई, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अगर ये घटना किसी नेता की बेटी के साथ घटित हो जाती, उन लोगों को, उन दरिंदों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाती है। बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी, 10 लाख के जो सूट पहनने वाले इंटरनेशनल फकीर। देखिए, मणिपुर के हालात के जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे देश के राजा बाबू प्रधानमंत्री, जब मणिपुर जल रहा था तो पूरे देश के लोग देश के प्रधानमंत्री जी से कह रहे थे कि आप मणिपुर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखें, लेकिन हमारे देश के राजा बाबू प्रधानमंत्री के पास इतना समय होता है कि कभी वो अमेरिका चले जाते हैं, कभी वो मिस्र की मस्जिद में चले जाते हैं, और कभी मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा करने पहुंच जाते हैं, लेकिन राजा बाबू प्रधानमंत्री पर इतना समय नहीं होता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर उसका जायजा ले सकें। और सबसे बड़ी बात, वो महिला मंत्री जो आज गूंगी हो चुकी हैं, और जब बात उनकी बेटी की होती है तो महिला मंत्री बड़ी चिल्लाकर बोलती हैं, लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं के मुंह में दही जम जाती है, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, और अगर इनसे कोई सवाल कर ले तो पत्रकारों को धमकाने का काम करती हैं, और इनके कोई खिलाफ बोल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा करने का काम करती हैं, ये इनका काम है एकमात्र। वो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी इसलिए है स्मृति ईरानी की, मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर यही घटना जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होती वहाँ पर हुई होती तो अब तक जैसे सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पर बैठी हुई थी वैसे ही बैठ गई होती, आपको दोबारा नजर आ जाती। स्मृति ईरानी सिर्फ अपनी बेटी को लेकर बोलती हैं। जब उनकी बेटी का मामला होता है तो आपने देखा होगा कि सदन में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हैं। सोच कर देखिए, जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी समझ कर पूजा जाता है, जिस देश के अंदर माता के सम्मान में, नारी के सम्मान में लंका दहन हो गई, जिस देश के अंदर नारी के सम्मान में रामायण और महाभारत हो गई, आज उस देश के अंदर महिला को निर्वस्त्र किया जा रहा है। आप सोच कर देखिए, ये बोलते हुए भी ये घटना कितनी शर्मसार है, इंसानियत और मानव जाति के लिए ये बड़ी शर्मसार घटना है। और मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की महिलाओं से कि इस देश की महिला को आखिर क्या हो गया है, क्या हो गया है? क्या इस देश की महिला महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ना भूल गई हैं? क्या इस देश की महिला फुल्लन देवी को पढ़ना भूल गई हैं? क्या इस देश की महिला सावित्रीबाई फुले को पढ़ना भूल गई हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश की महिला इतनी कमजोर हो गई कि उनको निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है? बताइए, एक वक्त ऐसा था कि जब इस देश के अंदर सती प्रथा के चलते आपने देखा होगा कि महिलाओं को जला दिया जाता था, कि अगर किसी के पुरुष की डेथ हो गई तो उसी के साथ में उस महिला को जला दिया जाता था, लेकिन उन सब परंपराओं को समाप्त किया गया। लेकिन उसके बाद भी जब आप और हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ 21st century, कि हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, 21वीं सदी के भारत में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, और ये घटना जहाँ महिलाओं के साथ में बर्बरता होती है, ये घटना किसी भी राज्य की हो बड़ी निंदनीय घटना है, और मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। बहुत दुखी है, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। प्रधानमंत्री का मन हमें पता है कितना दुखी है, वो अगला आदमी अगले ही दिन रैलियों में, प्रचारों में, कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लग जाता है। हमें पता है आपका मन कितना दुखी है। एक बात सोच कर देखिए और अपने दिल से पूछ कर देखिएगा, जो घटना मणिपुर की बेटी के साथ घटित हुई, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, अगर ये घटना किसी नेता की बेटी के साथ घटित हो जाती, उन लोगों को, उन दरिंदों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाती है। बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन वो बेटियाँ न जाने किस बाप की हैं, वो बाप कोई राजनेता तो है नहीं,
वरना अब तक फांसी हो गई होती। तो कहते हैं देश ही मेरा परिवार है, तो बेटी परिवार। प्रधानमंत्री को पता है कि देश की उनका परिवार है, कितना उनका परिवार है सबको पता है। देश के प्रधानमंत्री को अगर देश उनका परिवार होता तो सारे काम और काज छोड़कर देश के हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले उन बेटियों से मिलने के लिए जाते और जाकर उनका हौसला बुलंद करते और कहते कि हम आपके साथ खड़े हैं। और बीच चौराहे पर, मणिपुर के बीच चौराहे पर उन दरिंदों को फांसी दी जाएगी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते कि मैं खुद फांसी का ऑर्डर राष्ट्रपति से लेकर आऊंगा। बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री, सदन सदन के लिए बोला नहीं जाता, बोलने पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन मैं बोलूंगा आज सदन के लिए भी बोलूंगा। किस लिए बनाई है सदन? मैं कहता हूं कि इस सदन पर ताला लगा दो। जिस सदन के अंदर राजनेताओं को बोलने की अनुमति ना दी जाए, जिस सदन को बर्खास्त कर दिया जाए, जिस सदन में बोलने वाले नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को संसद से बर्खास्त कर दिया जाए। क्या जरूरत है ऐसी सदन की? क्या जरूरत है ऐसी पार्लियामेंट की जहां बेटियों की आवाज उठाने पर सदन को बर्खास्त कर दिया जाता है? सड़कों पर प्रदर्शन करो तो पुलिस की लाठियां खाओ हैं, सरकार से सवाल करो तो जेल के अंदर जाओ, सदन में सवाल करो तो सदन को बर्खास्त कर दो। आप डिक्टेटरशिप में रहते हैं क्या? तानाशाही वाले देश में रहते हैं जहां बेटियों के लिए आवाज ही नहीं उठा सकते? कैसा देश, कैसा लोकतंत्र, बताइए ना कैसा लोकतंत्र है? मोहित जी, जब स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर रेस्टोरेंट वाला मामला आया था, तो बेटियों की अस्मिता पर सवाल ये कहती हुई नजर आई थी और दहाड़ लगाई थी स्मृति ईरानी ने, आज वीडियो पे भी बोली थी स्मृति ईरानी। मैं आपको बताता हूँ मैडम, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि घटना चाहे बंगाल की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे घटना वो मणिपुर की हो, कहीं भी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत होता है, तो वो घटना निश्चित तौर पर हमें उसका विरोध करना चाहिए। एक आदमी की पहचान तभी पता चलती है, मैं उसको कहता हूँ कि वो इंसान के परिवेश में कुत्ता है, जानवर है। जो महिलाओं की इस घटना पर अभी भी गूंगा बन के बैठा है, मैं उसको जानवर से उसकी तुलना करता हूँ जो महिलाओं के साथ हुए इस दुर्व्यवहार को लेकर अभी भी गूंगा बनकर बैठा हुआ है। क्या हर घटना के पीछे, चाहे जितनी भी जघन्य घटना हो, उसके पीछे मुसलमान को निशाना क्यों बनाया जाता है? एक ट्वीट के माध्यम से, एआई के माध्यम से जी फिर से वो जो है फेक न्यूज स्प्रेड की गई। अभी तक तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट नहीं हटाया जी, अभी तक। एक बात आप मुझे बताइए, हर न्यूज में मुसलमान को जोड़ दिया जाता है, आपने ये नहीं देखा कि जब बिल्किस बानो के साथ में हुआ, बताइए उन अपराधियों को, जब जब आप इस देश के अंदर बलात्कारियों का स्वागत फूल की माला पहनाकर करेंगे ना, और बलात्कारियों को पैरोल पर बाहर निकालेंगे और बलात्कारियों का स्वागत करेंगे, यही हालत होगी इस देश की। और जो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं देश के प्रधानमंत्री, देख लीजिए कैसे बेटी बच रही है और कैसे बेटी पढ़ रही है। बेटी को सड़क पर निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर बिल्किस बानो को न्याय मिलता है, इस तरह का घटना करने वाले डरते हैं। मैं ये कहता कि बिल्किस बानो से पहले अगर राम रहीम, आसाराम, चिरम्यानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, अगर इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया होता तो बिल्किस बानो के साथ भी इस तरीके का जघन्य अपराध नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ आपसे, इस देश में निर्भया के टाइम पर अमेंडमेंट आया फांसी का, उसके बाद आज तक फांसी किसी भी रेप के दोषियों को नहीं दी गई है। मैं देश की सरकार से निवेदन करता हूं कि जिनकी भी बेटियां हैं उन नेताओं को आवाज उठाना चाहिए। आपने देखा संजय सिंह को आज सदन से बर्खास्त कर दिया गया सिर्फ आवाज उठाने के पीछे, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता हटा दी गई। ये लोकतंत्र है इस देश का? जब ये वीडियो वायरल होने से पहले राहुल गांधी जा रहे थे वहां पर, तब उन पर भी सवाल खड़े किए कि देश की छवि फिर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे देश का राजा बाबू तो विदेश में बिजी रहते हैं। विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जाता, उनको जाने नहीं दिया गया था, जाने भी नहीं दिया गया था उनको। विपक्ष के नेता जब जाते हैं उनको जाने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी जब वहाँ जाते हैं और मिलते हैं वहाँ के लोगों से तो उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं, आप सोच कर देखिए। और हमारे राजा बाबू विदेश से जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो जेपी नड्डा से पूछते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, ये है हमारे राजा बाबू। आप सभी जानते हैं राजा बाबू कौन है, नरेंद्र मोदी जी 10 लाख के जो सूट पहनने वाले इंटरनेशनल फकीर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।